तो हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है फिर से अपने चैनल में। तो ये अपना Day 2 है जो हैदराबाद से निजामुद्दीन मतलब दिल्ली के लिए है। तो हम सभी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं सुबह। तो दोस्तों बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ कुछ पर्सनल काम के वजह से। तो अब बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबों का नींद खुला था सुबह 9 बजे। तो 9 बजे नींद खुलते ही हम सब लोगों ने देखा कि हम पहुंच गए थे भोपाल जंक्शन। तो वहाँ पे हम सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट होने के बाद हम सबको पता चला कि अपना ट्रेन 2 घंटा डिले चल रहा है। तो फाइनली हम लोग सुबह के 8 बजे न्यू दिल्ली पहुंच चुके थे। तो अपना जो प्लान था वो था ट्रेन से हरिद्वार जाने का, लेकिन हम लोगों ने चेंज कर दिया था क्योंकि जो न्यू दिल्ली से वो फ्रेंड था वो बोला कि बस से चलते हैं। तो उसने वो टिकट बस का बुक करा दिया था, लेकिन जो बस था एक्चुअली वो हम लोगों को काश्मीरी गेट पर मिलना था। तो काश्मीरी गेट के लिए हम लोगों ने मेट्रो का यूज़ किया और हम सब निकल गए मेट्रो के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं काश्मीरी गेट जो 500 मीटर स्टेशन से दूर था। तो वहाँ पे अपना बस वेट कर रहा था। तो बस हमारा ऑलरेडी वहाँ वेट कर रहा था। तो हम सब निकल पड़े हरिद्वार के लिए। तो हरिद्वार जाने के लिए हमारा सिर्फ डिस्टेंस बचा था 110 किलोमीटर, जो बहुत करीब था। तो वही 110 किलोमीटर कवर करने के लिए हमारे बस ड्राइवर को लग गया था 3 घंटे। तो आखिर में शाम के 4 बजे हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचते ही हम सबको दिखा मोमोज का ठेला। तो वहाँ से हम सब ने वेज मोमोज ट्राई किया क्योंकि हर चीज़ वहाँ वेज ही मिलता था, नॉनवेज का नाम नहीं था। तो खाने के बाद हम सब निकल पड़े रूम ढूंढने के लिए। तो रूम हम सबको मिला 800 का। तो 800 कुछ उतना बड़ा बात था नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लास्ट में पे कर दिए। तो पे करने के बाद हम सब फ्रेश होके निकल गए गंगा घाट आरती देखने के लिए। पैदल यात्रा के बाद हम पहुंच जाते हैं घाट जहां पे आरती होती है। तो हम सब आरती के 1 घंटा पहले हाजिर थे वहां पे। आके देखे तो भाई इतना भीड़ था ना क्या ही बताएं, लेकिन फ्लो के कारण कोई उसमें नहा नहीं रहा था। तो धीरे धीरे शाम होते गया और हम सब आरती का वेट करते रहे। थोड़ी देर में ही आरती शुरू होने वाली थी और हम सब आरती के लिए तैयार थे। तो आरती के बाद हम लोगों ने डिनर किया और निकल पड़े अपने रूम के लिए क्योंकि कल सुबह हम सबको निकलना था सोनप्रयाग के लिए।